जय श्री माता जी। आज मैं अपनी सभी फ्रेंड्स को बर्फ़ का लड्डू घर में कैसे बनता है वो सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, हमारे बच्चों को अक्सर गर्मी लगती है और वो कहते हैं कुछ ठंडा खाना है, तो बच्चों को बर्फ़ का लड्डू बहुत ही पसंद आता है। लेकिन मार्केट में आप जानते ही हैं किस तरीके से आइसक्रीम जमती है, किस तरीके से बर्फ़ जमती है, बहुत ही वो गंदे पानी से बर्फ़ जमाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम घर में साफ़ सुथरे ढंग से बर्फ़ का लड्डू बनाएं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही कम सामान चाहिए होता है, हमें एक बर्फ़ चाहिए होती है और जो भी फ्लेवर आपके बच्चे पसंद करें, रूह अफ़ज़ा, काला खट्टा, ऑरेंज या मैंगो फ्लेवर, जो भी फ्लेवर पसंद करें वो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको रूह अफ़ज़ा वाले फ्लेवर का बर्फ़ का लड्डू बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास फ़िलहाल अभी यही अवेलेबल है, लेकिन अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी फ्लेवर के लड्डू बनाना सिखाऊंगी बर्फ़ के। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और अपने इस बर्फ़ को मिक्सी के जार में डालकर क्रश कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब ये हमने अपनी बर्फ़ को पीस लिया है। अब हम एक ग्लास लेंगे, इसके अंदर अपनी ये बर्फ़ डालेंगे और ये बहुत हल्के हाथ से डालेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स ये जम जाएगी। अब हम एक स्टिक लेंगे और ये इसके अंदर ऐसे रख देंगे और इसको अच्छे से भरेंगे। इसे दबा दबा के अब हम इसको भर लेंगे। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बर्फ़ का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपना फ्लेवर डालेंगे, अपना रूह अफ़ज़ा डालेंगे। ऐसे घुमा घुमा के हम इसको सारे में ऊपर नीचे फ्लेवर कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बर्फ़ का लड्डू कितना अच्छा बना है। अब आप खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए खिलाइए और इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।